धमतरी जिले में बीते चार दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जिले के सभी नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं। वहीं नगरी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति है। नगरी क्षेत्र की महानदी, बालका नदी, सोनझूम नदी और सीता नदी उफान पर होने के कारण से करीब 30 से ज्यादा गांवों के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण से कुछ रास्ते बंद भी हो गए हैं। इसके साथ ही झमाझम बारिश के कारण से जिले के गंगरेल बांध, माडमसिल्ली बांध, सोनझूर और दुधावा बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश इसी तरह होती रही तो जिले के सभी बांध जल भर जाएगा। बहरहाल कलेक्टर का कहना है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जिन गांवों का संपर्क टूट गया है वहां पर पूरी व्यवस्था भी करा दी गई है। साथ ही उन गांवों पर प्रशासन की पैनी नजर है। देख लीजिए, आज जो है बारिश तीन दिन हो चुका है और बारिश अपना जो है रूपरेखा इतनी तीव्र हो गई है कि बाढ़ बहुत अधिक आ गया है और पुल के ऊपर जो है पानी बह रहा है, जिसमें आवागमन में बहुत ही परेशानी हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए अधिकतर यहाँ पर पढ़ने के लिए सभी बच्चे इसी पुल से पार होकर जाते हैं। उन जगहों पे पर्याप्त राशन की व्यवस्था है, ऊंचे स्थानों की आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया गया है जहाँ पे अगर बाढ़ आती है तो बचा जा सकता है। दवाई की किट्स भी अवेलेबल है, पर वर्तमान में नगरी में बारिश 150% से ज़्यादा हो चुकी है तो उसको लेके समस्या बनी है और प्रशासन उसको देख रहा है। हम लगातार संपर्क बनाए रहे, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ फैल गई, मतलब आस पास जाने के लिए नहीं बढ़ रहा है और काफ़ी लोग जो है मुसीबत यहाँ पे अभी फंसे हुए हैं आस पास जाने के लिए। और स्कूल वाले बच्चे लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, पर लेकिन पानी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो अब बढ़ते जा रहा है नदी का पानी जो है, और बरसात भी अभी हो रहा है तो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पढ़ने वाले बच्चे लोग भी बहुत सारे लोग फंसे हैं और काफ़ी जो यहाँ से उस पार जाने वाले लोग हैं वो लोग भी फंसे हुए हैं। और ये साथ जो पहली बारिश है इसमें जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया है तो दिक्कत हो रहा है।